पंजाब की राजनीति में आएगा बड़ा भूचाल। इस पार्टी का दामन थामेंगे कैप्टन अरमिंदर। जाने क्या है पूर्व सीएम का पूरा प्लान। पंजाब में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है। कैप्टन अरमिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का 19 सितंबर को बीजेपी में विलय होने जा रहा है। पिछले साल के अंत में सीएम पद से हटाए जाने के बाद अरमिंदर सिंह ने अपने पद छोड़ने के बाद एक नई राजनीतिक पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई थी। अब वो पार्टी 19 सितंबर को बीजेपी में विलय होने जा रही है। इतना ही नहीं, दिग्गज नेता पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा की मौजूदगी में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगे कैप्टन अरमिंदर सिंह। कैप्टन के बेटे रणिंदर सिंह, बेटी जयिंदर कौर, पोते निर्वाण सिंह भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अरमिंदर सिंह इस समय लंदन में हैं, जहां उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। तत्कालीन पटियाला शाही परिवार के वंशज और दो बार के मुख्यमंत्री रहे अरमिंदर सिंह ने पिछले साल मुख्यमंत्री के रूप में अपने अनौपचारिक रूप से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस छोड़ने के बाद पीएलसी का गठन किया था। पीएलसी ने 2022 राज्य विधानसभा चुनाव भाजपा और सुखदेव सिंह ढींडसा के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन में लड़ा था। हालांकि पीएलसी का कोई भी उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर सका। अरविंदर खुद अपने घरेलू मैदान पटियाला अर्बन सीट से हार गए थे। तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी में अरविंदर सिंह के आने के बाद क्या होगा राजनीति में नया रणनीतिक उलटफेर। ब्यूरो रिपोर्ट, यूबी इंडिया न्यूज़।